अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका फिर से मैं स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कुवैत खबर YouTube चैनल पे। तो साथियों, आज के वीडियो में कुवैत से सबसे पहली जो खबर दोस्तों आ रही है, लुलु हाइपरमार्केट के तरफ से आ रही है। दोस्तों आप लोग जानते होंगे कुवैत का लुलु हाइपरमार्केट जो है बहुत ही बड़ी कंपनी है, बहुत ही बड़ी चेन है। तो लुलु हाइपरमार्केट में यदि आप अभी कुछ ही तरह का शॉपिंग वगैरह करते हो, यानी कुवैत में प्रवासी हो, शॉपिंग वगैरह करने के बारे में सोच रहे हो, तो लुलु हाइपरमार्केट जाके वहां पे आप शॉपिंग कर सकते हो। बहुत सारे चीजों में ऑफर दिया जा रहा है। साथ ही मैं सभी चीजों का ऑफर तो नहीं बता पाऊंगा, पर मैं आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन पे शो कर रहा हूं। जैसा कि आप देख सकते हो, ये शॉपिंग फेस्टिवल का आयोजन किया गया, यानी समर शॉपिंग फेस्टिवल, जिसमें 50% की छूट दी जा रही है। तो सैकड़ों ऐसी चीजें हैं जिसमें दोस्तों आपको लगभग 50% का छूट दिया जाएगा। तो यदि आप कुवैत में हो, शॉपिंग वगैरह करने के बारे में सोच रहे हो, तो एक बार लुलु हाइपरमार्केट चले जाइएगा। बहुत ही दोस्तों कम दामों में चीजें आपको मिल जाएंगी। अगली जो खबर दोस्तों आ रही है, साथियों कुवैत से नहीं है, पर यदि आप नेपाली वर्कर हो, नेपाल के रहने वाले हो, तो दोस्तों ये खबर सुनकर आपको काफी ज्यादा बुरा लगने वाला है, क्योंकि नेपाल में फिर से एक प्लेन का दुर्घटना हुआ है। एक नेपाल का फिर से एक प्लेन जो है वो क्रैश हो चुका है। वीडियो के सुन पे दोस्तों, जैसा कि आप फोटो को देख सकते हो, खबरों को देख सकते हो, प्लेन क्रैशेस इन नेपाल विद 19 अब्रॉड सेवरल डेड। दोस्तों बता दूं आपको कि लगभग इसमें 2 क्रू मेंबर थे और इसमें लगभग 17 टेक्नीशियन थे, जो कि नेपाल से एक जगह से दूसरी जगह वो विमान लेकर जा रहे थे, जिस किसी वजह से तकनीकी प्रॉब्लम के वजह से ये फ्लाइट जो है वो क्रैश कर गई, जिसके वजह से अब तक 19 लोग मारे जाने की दोस्तों पुष्टि की जा चुकी है। मतलब जितने लोग भी उसमें सवार थे, सभी के सभी लोग जो है वो मारे गए हैं। तो ये बहुत ही बड़ी दोस्तों दुर्घटना घटी है। अभी 1 से 1.5 साल पहले भी एक फ्लाइट दोस्तों क्रैश हुआ था नेपाल के, और फिर से ये खबर निकल कर आ रही है कि फिर से एक फ्लाइट जो है नेपाल का क्रैश हो चुका है। तो ये अपडेट्स नेपाल के तरफ से भी दिया गया है, जैसे कि खबरों को पूरा पढ़ सकते हो। अगली अपडेट दोस्तों आ रही साथियों कुवैत से, वो आ रही है कुवैत लॉन्च कसीब सर्विस रिवील कॉलर नेम एंड नंबर। साथियों मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि कुवैत में एक ऐसा एप्लीकेशन लॉन्च होने वाला है, जिसमें यदि कुवैत में कोई भी आप कॉल करता है, उसका आप नंबर मोबाइल में सेव रखोगे या नहीं रखोगे, उसके बावजूद भी उसका नंबर उसका नाम के सहित शो करेगा। जैसे कि यहाँ पे खबरों को पढ़िए, कुवैत लॉन्चेस कसीफ सर्विस। ये दोस्तों कसीफ सर्विस एक एप्लीकेशन होगा, ये आपको गूगल प्ले स्टोर मिल जाएगा, वहां से जाके आप डाउनलोड वगैरह कर सकते हो, जिसमें यदि कोई भी आपको कॉल करता है किसी भी नंबर से, कोई अननोन नंबर से भी, तो आपके मोबाइल फोन के स्क्रीन पे उसका नंबर के साथ साथ उनका नाम भी अब शो करेगा। इससे क्या होगा दोस्तों, बहुत सारे फ्रॉड काम जो होते थे अब वो नहीं हो पाएगा, यानी बहुत सारे जो फ्रॉड है वो कॉल के जरिए किया जाता था अननोन नंबर के तहत, तो अब ये दोस्तों फॉर्जरी काम बिल्कुल भी कुवैत में नहीं हो पाएगा, क्योंकि नया ये सर्विस जो है वो कुवैत की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से लॉन्च कर दिया गया है। सभी के मोबाइल में इसे इंस्टॉल करना पड़ेगा, चाहे वो कुवैती हो चाहे वो प्रवासी नागरिक प्रवासी वर्कर हो, सभी को आपको इंस्टॉल कर लेना है, गूगल प्ले स्टोर मिल जाएगा। दोस्तों यदि किसी तरह का मन में आपके सवाल हो, कोई जानकारी चाहते हो फ्लाइट वीजा टिकट के बारे में, तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं कोशिश करूंगा आप लोगों का सवालों का जवाब देने के लिए। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।